हेलो व्यूअर्स, मुझे देख पा रहे हैं? हेलो, मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? कुछ कम का लो, हेलो करिए कुछ, तो मुझे पता चले कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। प्रियंका गुप्ता, हेलो करिए। चलिए, मैं नमस्कार, वाराणसी से संध्या अग्रवाल। 3 बजी चाय का टाइम हो गया। अमूल परिवार का मैं धन्यवाद दूंगी कि आज मुझे उन्होंने बनारसी चाट बनाने का मौका दिया चाय के साथ। चलिए, हम बिना समय बिता बर्बाद किए चाय की तैयारी करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बनारसी चाट। उसमें बनारसी चाट गोलगप्पे टिकिया ऑल ओवर सब जगह कॉमन होती है। हमारे बनारस में टमाटर की विशेष तौर पर चाट बनाई जाती है और एक चूड़ा मटर। तो ये मटर का सीजन नहीं है, हरे चने का सीजन है। मैं आपको हरे चने से बना के चूड़ा मटर एज इट इज विदाउट रेसिपी को टच किए चने का यूज करके रेसिपी बताऊंगी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं टमाटर चाट की। टमाटर चाट के लिए मुझे, मैं आपको सामग्री दिखाती चल रही हूँ। टमाटर चाट के लिए आप ये देख रहे होंगे, ये टमाटर मिक्सी में पीसा हुआ नहीं है। मैंने पहले छोटे छोटे टुकड़े में काट कर उसे चिली कटर में चन किया, मतलब ब्लांच करना है हमें, एकदम पेस्ट ग्रेवी जैसा नहीं बनाना है। ये टमाटर, रेड टमाटर जो आजकल आ रहे हैं, उसको अच्छे से धो के टुकड़े में काट लीजिए और फिर उसे ब्लांच कर लीजिए। और इसमें मैंने, देखिए, कच्चे केले जो कि आते हैं, कच्चे केले को छील के उसके बारीक टुकड़े किए हुए हैं और उसमें ये हरे चने डाले हुए हैं। या देख पा रहे होंगे, इसे हमारे यहाँ गोराहा कहते हैं, एकदम मुलायम चने आते हैं। इसमें हम कोई घी कोई तेल नहीं डालेंगे। इसमें हमने सॉस पैन गरम किया हुआ है। बस जीरा चटक चटकने तक हम इसे देखिए, जीरा हमारा भून चुका है। क्योंकि तो चाट में ज्यादा घी तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, मौसम गर्मी का शुरू हो चुका है। देखिए, हमारा जीरा चटचटाने लगा है और सुनहरा हो गया है। इसमें मैं ये हरी मिर्च डाल रही हूं। हरी मिर्च भी मैंने महीन नहीं पीसी है, ये दरदराई हुई है। और ये हरी अदरक, एक चीज ये ध्यान रखें, ना बटर ना घी ना तेल, किसी चीज का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया हुआ है। और गैस की फ्लोइंग स्लो रहेगी। देखिए, इसमें चुटकी भर हल्दी, जरा सी लाल मिर्च, ये हमने कच्चे केले और जो ये चने थे, एक कच्चा केला और आधी कटोरी हरे चने डाले हुए हैं इसमें। बस चुटकी भर नमक डाला है हमने। बस हम इसे गलने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ
देखिए हम बनाने जा रहे हैं चूड़ा मटर, जो हमने कहा था ये हमारे बनारस की खास डिश है। इसे हम घी में छौंकेंगे। हमारे यहाँ बनारस में देशी घी का इस्तेमाल किया जाता है। गैस लो रखेंगे और ये भी आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे बदलने लगेगा। इसमें भी देखिए हमने आधा चम्मच घी डाला है। बस इसमें चुटकी भर हींग, जीरा, जीरा हमारा तड़तड़ा गया है, अदरक, हरी मिर्च अदरक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, हल्दी, और इसमें ड्राई फ्रूट जाते हैं। काजू, किशमिश, बादाम, हाँ ये हमारे यहाँ बनारसी चाट में देशी घी और ड्राई फ्रूट, बस यही विशेषताएं रहती है। कुछ हल्का सा नमक और ये हरे चने, आप ये देख सकते होंगे एकदम फ्रेश चने हैं ये, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हाथ से ऐसे दबाने पे एकदम गल जाते हैं। सीजन में सर्दियों में यहाँ पे मटर डाल के छौंका जाता है। आजकल मटर का सीजन ऑफ हो चुका है तो हमने चना यूज किया है। बस इसे हम भर देंगे, तब तक हम इसे देखें। देखिए आप देख सकेंगे ये हमारा केला भी गल गया है और चना तो वैसे भी बहुत नाजुक रहता है। विदिन 5 मिनट्स ये भी गल जाएगा। आपको मैं बता दूं इस टमाटर में मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है। अब हम इसमें ये टमाटर डालने जा रहे हैं। फ्लेम को तेज करेंगे। हमने थोड़ा सा नमक पहले डाला था, अब टमाटर के अकॉर्डिंग हम नमक थोड़ा सा और डालेंगे। मुझे कोई सवाल पूछ रहा कि हमारे बम्बई में हरा चना नहीं मिलता तो क्या उसको रात भर चना भिगा देंगे?
नहीं, हरा चने की जगह हम हरे चने की जगह नहीं, भिगोए हुए चने नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि उसका फ्लेवर एकदम अलग हो जाता है। वो मारिया पिंटो जी नमस्कार। हेलो, हरा चना नहीं मिलता है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हरे चने की जगह और जो भी कॉर्न आज बॉम्बे में कॉर्न अवेलेबल है, कॉर्न का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। सीजनली सब्जियां जैसे ब्रोकली हुई, ब्रोकली भी डाल सकते हैं, बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा चना तो मैंने यहाँ पे हमारे यहाँ फ्रेश मिल रहा था इसलिए यूज किया है। देखिए आप देख रहे होंगे कितनी जल्दी ये गल गया है। हेलो, आपने क्वेश्चन किया है कि नॉनस्टिक में मैंने इसका स्टील का स्पून क्यों इस्तेमाल किया। वो स्टील के आगे कटीचे वो लगा हुआ है, देखिए वो उसमें स्टील का मैंने नीचे उसकी बॉडी को टच नहीं किया था और मैंने घी तेल कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। बर्तन की लेयर तक मेरा स्पून नहीं जा रहा था। रेसिपी का नाम क्या है? कुछ नहीं है। रेसिपी का नाम मेरी टमाटर चाट है, मैं अभी बताती चल रही हूँ आपको। देखिए ये टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, अब हम इन्हें अच्छे से मैश कर देंगे। टमाटर चाट की स्पेशलिटी ये रहती है कि इसमें क्या पड़ा है वो दिखाई नहीं देता। टमाटर का सूप आपने पिया होगा, टमाटर की सब्जी आपने खाई होगी। मेरे बनारस में ये टमाटर चाट स्पेशली बनती है और यहाँ लोग बाहर से इस टमाटर चाट का लुत्फ उठाने ही आते हैं। ये देखिए इसमें ना कच्चा केला, पता कच्चा केला मैंने आलू की जगह यूज किया है। वैसे ज्यादातर चाट वाले आलू का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और मटर की, अरे इसमें कच्चे चने की जगह मटर डाल देते हैं, जो छोले वाली मटर सूखी वाली रहती है। हेलो बोलिए। ये देखिए हमारा चूड़ा मटर, सॉरी वो रहा चूड़ा जो है वो भी प्रिपेयर होने जा रहा है। इसमें मैं बता दूं मैंने एक कटोरी हरे चने लिए हैं, उसी हिसाब से हम इसमें ये भीगे हुए पोहे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो पोहे वाला चूड़ा रहता है उसका इस्तेमाल किया है। बट इसमें जो डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये है पोहे वाला चूड़ा जरूर, बट इसका डिफरेंस ये है, पोहे देशी घी में नहीं छौके जाते, पोहे रिफाइंड में छौके जाते हैं। पोहे में तड़का कड़ी पत्ता का और राई का लगता है, मैंने जीरा डाला है और न कि कड़ी पत्ता, इसमें मैं फ्रेश पुदीना डालूंगी। इसके साथ मैंने आम पुदीना की चटनी बनाई हुई है। रेसिपी रिपीट करिए प्लीज। हाँ मैं रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। इसको अभी हम और मैश करेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट भी जा रहे हैं, पखाना, काजू, किशमिश, आप अपनी फैमिली में जो लाइक करते हो वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। और देखिए इसमें
ये मलाई जा रही है। इसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली है, या अमूल की फ्रेश मलाई। आपने ऐसी चाट शायद ही कहीं देखी होगी। बस ये मलाई डालनी रहती है, इसीलिए मैंने घी बटर किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, कि अमूल के दूध में और अमूल की मलाई में और अमूल की क्रीम में वैसे खुद में बहुत चिकनाई होती है। आप कलर देख रहे होंगे इसका, वैसे तो हमारे यहाँ चाट वाले बड़े बड़े तवे रखे रहते हैं, तवे पे बनाते हैं। यहाँ मेरे पास उतना बड़ा तवा रखना पॉसिबल नहीं था गैस पे घर पे। देखिए ये आपकी इसमें ड्राई फ्रूट या जो भी मसाले हैं, जैसे मैंने मसाले तो कोई यूज ही नहीं किए हैं, सिर्फ अदरक मिर्चा नमक और हल्दी, गरम मसाले का इस्तेमाल मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि चाट अच्छी लगती है, थोड़ी ज्यादा खाने में आ जाती है तो फिर वो सब्जी का सा लुक हो जाता है, चाट चाट की तरह खाई जाती है। ये देखिए हमारा वो रहा चूड़ा भी रेडी हो चुका है। मैंने अभी आपसे बोला था कि हमारा चना 1 कटोरी था हरा चना, उसमें मैंने 1/2 कटोरी भीगा हुआ चूड़ा डाला है। चूड़ा जो पोहे में इस्तेमाल किया जाता है वही चूड़ा इस्तेमाल किया जाता है, बट पोहे का टेक्सचर एकदम अलग रहता है और चूड़ा का टेक्सचर, ये वो रहा चूड़ा का टेक्सचर एकदम अलग रहता है। ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं गैस बंद करने जा रही हूँ, और ये भी मेरी चाट रेडी हो चुकी है। इसको जरा सा मैं और सौगी कर लूं। ये भाजी है, भाजी नहीं, भाजी नहीं है आपको, ये पाव भाजी नहीं है। मैं पाव भाजी मैशर से इसलिए मैश कर रही हूँ क्योंकि टमाटर इसमें पता नहीं चलना चाहिए, हमने जो कच्चा केला और हरा चना इस्तेमाल किया है या जो ड्राई फ्रूट भी डाले हैं वो दिखने नहीं चाहिए इसमें, इसलिए मैंने ये पाव भाजी मैशर का यूज किया है, बस ये भाजी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपने देखा टमाटर डाला है, कच्चा केला, और सिर्फ 1 कच्चा केला डाला है, और 1/2 कटोरी हरा चना। ये फुल हेल्दी डिश है, टमाटर का सूप पीने में बच्चे थोड़ा सा आनाकानी भी करते हैं। इसको बस 5 मिनट ढक दीजिए। बस 5 मिनट में मेरी ये डिश रेडी हो जा रही है। लास्ट में मैं इसमें फाइनल टच देने के लिए हल्का सा
चलिए हम आप प्लेटिंग की तैयारी करें अपनी। आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर ऐसे होना चाहिए, ये अपने आप गिरनी नहीं चाहिए। देखिए इसको कहते हैं कुल्लड़ हमारे यहाँ। इसकी विशेषता चाट खाने की होती है, इस कुल्लड़ में मिट्टी के ये खाया जाता है। ये देखिए चूड़ा मटर, इसे भी कसोरा कहा जाता है। ये मिट्टी का रहता है, इसमें मिट्टी के सौंधे बर्तन में तो चाट खाने का मजा ही और कुछ रहता है। आपने खुद देखा होगा बहुत कम, बहुत घी तेल नहीं था। रिपीट करने के लिए कोई एक जन रेसिपी कर रही है लक्ष्मी है। हाँ मैं रिपीट रेसिपी कर दे रही हूँ। ये देखिए इसके लिए ये स्पेशल निमकी बनाई है मैंने, ये भी आटे की बनाई हुई है, ये इसमें डाल के ऊपर से खाई जाती है। ये हमारी चूड़ा मटर और ये देखिए ये हमारा टमाटर चाट। इस रेसिपी का नाम था मेरी टमाटर चाट। और ये है चूड़ा मटर, इसे ओराहा कहा जाता है हमारे यहाँ बनारस में। और ये आम पुदीना की चटनी है, फ्रेश आम, बड़े कच्चे आ चुके हैं आम और पुदीना की ताजी चटनी, क्योंकि मैंने इसमें लेमन जूस, अमचूर पाउडर कुछ भी नहीं डाला है, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी इच्छा हो उतनी डाल के उसमें टेस्ट कर सकती हैं। रेसिपी आपने पूछी थी रेसिपी किस चीज की, टमाटर चाट की चूड़ा मटर की, किस चीज की रेसिपी बतानी थी। मैं टमाटर की बता देती हूँ रेसिपी। टमाटर के लिए मैंने सॉस पैन में बिना घी बिना तेल डाले हुए जीरा डाला था, उसके बाद में अदरक मिर्च डाली है, फिर उसमें नमक और हल्दी, और फिर उसमें कच्चा केला, एक कच्चा केला और आधी कटोरी हरे चने डाल के मैंने 5 मिनट ढकने के लिए गलाने के लिए ढक दिया था। जब वो थोड़े से गल जाते हैं, क्योंकि चना भी बहुत मुलायम है और कच्चा केला भी फट से गल जाता है, आलू की जगह मैंने इसमें कच्चा केला इस्तेमाल किया है, क्योंकि आलू बहुत नुकसान करता है, हर किसी को आजकल प्रॉब्लम होती है तो आलू अवॉइड करें तो ही अच्छा है। और जब ये कच्चा केला और हरा चना गल जाता है, फिर इसके बाद हमने टमाटर ब्लांच करके लिया हुआ है, हमने कच्चे टमाटर को धो के काट लिया है और उसे मिक्सी में पेस्ट नहीं बनाया है सॉस की तरह से या एकदम ग्रेवी की तरह से, हमने उसको 2 बार ब्लांच किया है और दरदरा ही रहने दिया, क्योंकि छिलके और बीज सब उसी में पिस जाते हैं। और उसके बाद हमने उसमें जब टमाटर कच्चा केला और चना गल जाता है तो टमाटर को मिक्स किया है। टमाटर को मिक्स करने के बाद टमाटर गलने लगता है, कलर चेंज होने लगता है, फिर उसके बाद हमने उसमें टमाटर के अकॉर्डिंग नमक डाला है। पूरा मिक्स हो जाने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट में डाले हैं, ड्राई फ्रूट में मखाना, काजू, किशमिश, बादाम और
आपके जो भी घर में पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। यदि आप डेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें शुगर मत डालिएगा। लास्ट हमने इसमें फ्रेश क्रीम या मलाई जो भी डालना हो उसमें थोड़ी सी शक्कर मिक्स करके उसमें डालिए, क्योंकि हमने इसमें क्रीमी टेक्सचर थोड़ा सा देना था और उसमें चिकनाई एकदम नहीं है, तो थोड़ी चिकनाई का काम मलाई से हो जाता है। ये हुई आपकी टमाटर की रेसिपी। लास्ट में प्रेजेंटेशन हमने आटे की निमकी बनाई हुई है, जो महीन शक्कर पाले जो बोलते हैं हमने वो बनाए हुए थे, उसको डाल के थोड़ा सा क्रंच खाने में लगे चाट में, इस वजह से उसको डाला। राइट, आप दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। वो रहा चूड़ा, हरा चना था ये हमारा, उसे हमारे यहाँ वो रहा कहते हैं, और चूड़ा जो कि पोहा हमारे बॉम्बे और इंदौर वगैरह में जो पोहा होता है वो होता है, बट रेसिपी एकदम उलट है। मैंने पहले भी बताया था पोहा हम रिफाइंड में छौंकते हैं, कड़ी पत्ता का तड़का देते हैं, राई का तड़का देते हैं, बट हम यहाँ देशी घी का इस्तेमाल करें। मेरी बनारसी चाट की विशेषता है कि टोटल जो भी रेसिपी होती है आलू टिक्की तक सेकी जाती है तवे पे, वो टोटल देशी घी में ही सेकी जाती है। आलू के मसाले में भी ड्राई फ्रूट्स जाते हैं उसके अंदर, तो हमने हेलो चूड़ा मटर की रेसिपी में बता देती। चूड़ा मटर, सॉरी मटर का सीजन जा चुका है, मगर हम लोगों की जवान से मटर का स्वाद नहीं गया। मैंने तो आज मटर का टेस्ट अच्छा नहीं था, इसलिए आज चने का इस्तेमाल किया। उसमें भी एज इट इज हमने देशी घी डाला, 2 बड़े चम्मच देशी घी डाला है कढ़ाई में, फिर उसमें हींग डाली है, क्योंकि हींग का टेस्ट चूड़ा मटर में अलग बोलता है। हींग बनारसी चाट के जो जलजीरा का पानी रहता है उसमें भी तड़के में हींग जाती है, हींग और जीरे का टेस्ट अलग ही रहता है उसमें, तो उसमें मैंने हींग डाली है, जीरा डाला है और अदरक और मिर्च और नमक हल्दी डाल के मैंने चना छौंक दिया था। चने में ड्राई फ्रूट भी डाले हैं मैंने, किशमिश काजू, यहाँ भी मैं बोलूंगी जो आपकी फैमिली में ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। चना डाल के गलने तक छोड़ते हैं, 5 मिनट में मुश्किल से चना गल जाता है। चूड़ा हमने जैसे पोहा धोते हैं भिगोते हैं हल्का सा, वैसा भिगोया। बनारसी चाट के पोहे में दूध से भिगोया जाता है, ये पानी में नहीं धोया जाता है, हल्का सा दूध का छींटा दिया जाता है और उसको ऐसे मुलायम कर लिया जाता है, क्योंकि पानी में डालने के बाद उसमें उसका टेस्ट ही बदल जाता है। फिर चना गलने के बाद हमने इसमें पोहे को मिक्स किया, नमक डाला, हल्की शक्कर डाली और उसको दोनों को एक जैसा कर लिया। आप इसकी अपनी इच्छा के साथ इसमें धनिया की पत्ती या पुदीना की पत्ती डाल सकते हैं, तो मैंने पुदीना अंदर इंक्लूड नहीं करके आम पुदीने की अलग चटनी बनाई है। आम पुदीना फ्रेश इस समय आ रहा था सीजन में, हेल्दी भी है क्योंकि मौसम ठंड से गर्मी की तरफ आ रहा है, आम और पुदीना दोनों हमारी बॉडी को बहुत ठंडक देगा, इसलिए मैंने उसकी चटनी अलग से बनाई हुई है। और आम पुदीना की रेसिपी में बता दे रही हूँ चटनी की। 1 कच्चा आम था और आधी कटोरी पुदीना के पत्ते थे, नमक चुटकी भर, नमक चुटकी भर ही, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच काला नमक, सादा नमक यदि नहीं डालेंगी तो काला नमक डालेंगी। बस आप सबको धो के मिक्सी में चर्न कर लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास आपकी हरे पुदीने की चटनी तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी खुशबू हम लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं, मगर आप लोगों तक खुशबू तो नहीं, हाँ चटनी का स्वाद जरूर पहुंच रहा होगा। कोई क्वेश्चंस किसी का, और आप किसी का क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। कैसी लगी रेसिपी आपको? मैंने पूरी कोशिश की कि आगे होली आ रही है, होली की शुभकामनाएं भी आपके आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से, और कोशिश अभी से जारी रखिएगा कि बनारसी चाट का लुत्फ पक्की बार उठाएं। दिल्ली मुंबई कलकत्ता तो बहुत खा लिया, बनारस की चाट का स्वाद देख के देखें आपकी होली में। और अमूल परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मुझे ये मौका उन्होंने दिया। मुझे बहुत इच्छा थी कि होली के पहले मैं कुछ ऐसा रेसिपी, तो बहुत सारी बनारस में ठंडई भी है, भांग की रेसिपी है, मिठाई है, मगर ये एक टाइम लिमिट होती है कि उसमें आप, तो मुझे आज चाट ही दिमाग में आई, मैंने आज चाट ही रखी थी। मौका मिला तो मैं जरूर आपके साथ ठंडई शेयर करूंगी, यहाँ की भांग की मिठाइयाँ शेयर करूंगी। और फिर होली की शुभकामनाएं देते हुए अमूल परिवार और आप सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।